चीनिया से हेमंत कुमार की रिपोर्ट। अवैध रूप से बालू ढुलाई कर रहे ट्रैक्टर द्वारा रौंदने से पिता पुत्र की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत। शादी का माहौल माता में तब्दील। घटना में मृतकों के साथ 5 वर्षीय बच्ची बाल बाल बची। चीनिया थाना क्षेत्र के चपकली गांव के धमनी सोरिया नामक स्थान में गुरुवार को लगभग 1 बजे ट्रैक्टर दुर्घटना में पिता पुत्र की दर्दनाक मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि उक्त घटना में 5 वर्षीय बच्ची बाल बाल बची। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हजारों लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। वहीं जानकारी मिलते ही चीनिया थाना प्रभारी अमित कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों शवों को एम्बुलेंस से उठवाकर अंतिम परीक्षण के लिए गढ़वा भेज दिया है। घटनास्थल पर परिजनों ने बताया कि मृतक शोभनाथ राम उम्र लगभग 55 वर्ष व उनका पुत्र महेंद्र राम उम्र लगभग 30 वर्ष हरादाग रमना गांव के निवासी थे। जो मृतक शोभनाथ व पुत्र महेंद्र अपने ससुराल चपकली गांव अपने रिश्तेदार राजेश राम के लड़के की शादी में समारोह में भाग लेने आए हुए थे तथा बारात वापसी के बाद अपने घर हरादाग जा रहे थे। तभी घर से कुछ दूरी पर चले थे कि धानी सोरिया नामक स्थल पर कन्हर नदी से अवैध रूप से बालू ले जा रहे ट्रैक्टर रौंदते हुए भाग गया, जिससे दोनों व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उक्त घटना में मृतकों के साथ 5 वर्षीय बच्ची बाल बाल बच गई, लेकिन उक्त घटना में बच्ची छोटी हो गई, जिसका इलाज स्थानीय चिकित्सा साले में किया जा रहा है। वहीं ट्रैक्टर कुछ ही दूरी पर ले जाकर बालू को जंगल में अनलोड कर घटनास्थल से ट्रैक्टर को चालक लेकर भागने में सफल रहा। मामले में चीनिया थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि ट्रैक्टर दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसे शव को कब्जे में लेकर अंत्य परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। वहीं दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर जब्त कर चीनिया थाना ले आया गया है, अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। उधर शादी का समारोह मातम में बदल गया, परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल है। बताते चलें कि अब अभी तक क्षेत्र में अवैध रूप से ट्रैक्टर से बालू ढुलाई के कारण दुर्घटना में 1 साल के अंदर लगभग आधे दर्जन से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। ट्रैक्टर से अवैध बालू ढुलाई करने वाले ट्रैक्टरों की रफ्तार काफी तेज गति होती है तथा धरने पकड़ने के लिए डर से जल्दी में जल्दी चालक द्वारा गाड़ी को भगाया जाता है, जिससे हमेशा दुर्घटना होती रहती है। वहीं ट्रैक्टर दुर्घटना में हुए 2 लोगों की मौत से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। खबर लिखे जाने तक घटना स्थल पर हजारों लोगों की भीड़ मौजूद थी। क्या हुआ जगह पे? बालू वाला गाड़ी जा रहा था, उसी से दुर्घटना हुआ। अच्छा, दुर्घटना में क्या मौत भी हुई है? दो आदमी की मौत हो गया, बच्ची बच गई। अच्छा, बालू वाला मतलब ट्रैक्टर से? बालू वाला ट्रैक्टर मालिक का नाम हम पता चला है? नहीं, कुछ नहीं पता। कहाँ का हुआ आपका? हमारा डोल। क्या घटना हुआ इस जगह? एक्सीडेंट हुआ, एक ट्रोलर मार के चले गया। अच्छा, मतलब एक्सीडेंट में कितने लोग की मौत हुई? दो ठोक। कहाँ के हैं लोग दोनों? हरादाग का। यहाँ पे क्या रिश्तेदारी में आए थे? रिश्तेदारी में आए थे। तो ट्रैक्टर का पता आप लोग के द्वारा चला गया? ट्रैक्टर का पता चला है, सब बता रहे हैं कि ट्रैक्टर इधर से गुजरा है, वहाँ बालू खाली करके उधर से निकल गया है। मतलब ये कन्फर्म है कि बालू वाली गाड़ी थी ना? वहाँ देखिए बालू है, वहाँ देखिए खराब मूड का तोड़ है डांस, जैसे लीकेज का तोड़ है फ्री स्टाइल। वॉटर समरसेबल नल छापाकल डिलीवरी पाइप बोरिंग पाइप SWR पाइप एंड सेरामिक आइटम्स के अधिकृत विक्रेता किसान पंप हाउस मदरसा रोड आनंद मार्ग स्कूल के बगल में गरवा। जोश से पानी पहुंचाने का और उनके दिलों को जीतने का प्रेशर हम लेते हैं। वरुणा पंप्स, हर बूंद में जोश।